नेता व गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस दौरान आशा वर्करों द्वारा सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। आशा और पर्यवेक्षक समूह प्रवर्तक कर्मचारी संघ सेटू नागपुर जिला आशा कार्यकर्ताओं और समूह प्रवर्तकों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा स्वयंसेवकों और समूह प्रवर्तकों की नियुक्ति के बाद से काम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए 3 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र आशा ग्रुप प्रमोटर्स एक्शन कमेटी ने विभिन्न मांगे रखते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस पर विचार करें और हमारी मांगों को स्वीकार करें। मैं कंचन बोरकर सीआईटू से बात कर रही हूँ। हमारी मांगनी यह है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। एक तो हमारा फिक्स वेतन देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तरगढ़ में जाके घर घर में जाके जो काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो भी सरकार हमारे पर ध्यान नहीं देते, हमको आश्वासन ही देते रहते हैं। तो हमारा कहना यही है सब आशा बहनों का कि हमको फिक्स वेतन देना चाहिए और हमारी जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत का मुबदला हमको मिलना चाहिए। यह हमारी सरकार से मांग है। हमारी मांग पूरी न होने पर हम रास्ते पर उतरेंगे बेमुद्दा संपर्क करने वाले, क्योंकि सरकार की हम सुन सुन के थक गए हैं। हमारा दिवाली बोनस गए साल भी हमको आश्वासन दिया गया था कि दिवाली बोनस दिया जाएगा, परंतु हमको अभी तक मिला नहीं है। हम लोग आशा वर्कर काम करके भी, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहने के बाद भी हम पूरा काम करके सरकार को रिकॉर्ड पहुँचाते हैं, तो भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रही नहीं है। तो भी हमारा कहना है कि सरकार ने इस दिवाली में हमको दिवाली बोनस देना चाहिए। आंदोलनकारियों द्वारा सरकार को मांग पूरी ना होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।